am Iram Faridi, producer of Iram's Entertainment. I am MD of Rabia International Consultant Private Limited. हम हमेशा एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं, हम चाहते हैं इस समाज के लिए अच्छी से अच्छी और बेहतरीन फिल्में बनाना. और सबसे अच्छी चीज़ ये है जो हमारा फोर्टे है, सोसाइटी के इश्यूज़ को समझना और उसको अपनी फिल्मों में उतारना एक अच्छे मैसेज के साथ. तो हमारे काफ़ी अच्छे नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और हम हमेशा चाहते हैं कि हम इस चीज़ में अग्रसर रहें. ये प्रोडक्शन अभी कौन कौन सी मूवी है, मतलब कौन कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं और न्यू कमर्स पे ज़्यादा अपडेट देंगे, इसके बारे में बताइए. न्यू कमर्स का हमेशा से वेलकम है इरम्स एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस में, क्योंकि आई बिलीव इन इतने सारे हमारी इंडस्ट्री में चेहरे हैं, इतने सारा टैलेंट है. बट मैं चाहती हूँ कि एक जहाँ हमारे कानपुर सिटी से लेकर हमारे यूपी बिहार इस साइड के काफ़ी लोग हैं जिनको फिल्म इंडस्ट्री में अपना आजमाना है अपना करियर, तो हमारा www.iramsentertainment.com पे हमारी वेबसाइट है, उस पे पोर्टल पे आप अपना फॉर्म भर सकते हैं. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड स्क्रिप्ट राइटर, अगर आप अच्छे से स्क्रिप्ट राइटर हैं, सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, हम चाहते हैं कि एक अच्छे डायरेक्टर, एक अच्छे कास्टिंग से लेकर स्क्रिप्ट राइटर, पोस्ट प्रोडक्शन, सबका बहुत बहुत वेलकम है हमारे इरम्स एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस में. और हमारे नए नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं जिसके बारे में हम जल्दी बात करेंगे. इसके कहाँ-कहाँ पे ब्रांच होंगे, मतलब कहाँ-कहाँ पे लोगों को प्लेटफॉर्म मिलेगा? बिल्कुल, अभी हमने दिल्ली में ही द्वारका में हमने अपना नया न्यू ऑफिस स्टार्ट किया है. एंड लेटर वी विल एक्चुअली वी जस्ट शिफ्टेड आर न्यू ऑफिस इरम्स एंटरटेनमेंट टूवर्ड्स न्यू लोकेशन ऑफ मुंबई. और हमारे नए नए जो प्रोजेक्ट हैं जिसमें आपको अभी हम अपराइज इंडिया इनिशिएटिव नेम से एक बिजनेस ब्रांडिंग का ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो एक नई चीज़ लेकर आया है. फिजिस्मेटिक्स क्लिनिक, इरम्स एंटरटेनमेंट एंड अपराइज इंडिया इनिशिएटिव्स प्रेजेंटिंग इलिटरेसी में जो जितनी चीज़ें हैं, इलिटरेसी हमारे इंडिया में बहुत है. अगर आप एक नॉर्मल से रेशियो पे जाए तो 44.1% ही यहाँ पे लिटरेट हैं. तो हमारा ये मुहिम है, हम ये चाहते हैं कि लोग सिग्नेचर करना सीखे. जो रूरल एरिया है हमारा, उसमें हमारा टारगेट है. हम चाहते हैं कि आप लोग आएँ और हमसे मिलें. हम चाहते हैं कि आप सिग्नेचर करना सीखें जो सबसे बेसिक चीज़ है, और सोसाइटी को एक अच्छी लाइफस्टाइल देना और नई नई चीज़ों में आजमाना. तो हम ये चाहते हैं कि लोग पढ़ें, रीड राइट एटलीस्ट कर सकें, क्योंकि हमारा इंडिया बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है. तो हमारी एक बहुत अच्छी मुहिम है ये. एजुकेशन की बात करें, आप काफ़ी मतलब उसमें भी फोकस कर रहे हैं, लोगों को मतलब अवेयरनेस ला रहे हैं, तो उसके बारे में बताइए कुछ. बिल्कुल, हमारा नया पॉइंट यही है. हम चाहते हैं कि हमारे इंडिया में ज़रा सा भी, क्योंकि केरला जैसे स्टेट में, हमारे जो इंडिया के अंदर ये स्टेट आता है, इसमें 100% लिटरेसी है. आप गोवा भी जाएंगे तो आपको भी वहाँ मिलेगी. लेकिन यही अगर हाल आप देखें तो आपके बिहार, यूपी, एमपी और कहीं कहीं ऐसे रूरल एरिया हैं जहाँ पर लोगों को सिर्फ अंगूठा छाप है, उनको अपना सिग्नेचर भी नहीं करना आता. और कहीं ना कहीं अंगूठा छाप कहीं ना कहीं, अगर आप इस बात को बहुत सीरियसली लें तो इट इज़ रियली डेंजरस ऑल्सो. सो मैं चाहती हूँ लोग सिग्नेचर करना सीखे, अपनी एक छाप बनाए, अपनी एक पहचान बनाए. तो हमारी शुरुआत कानपुर सिटी से होगी जो कि 25 सितंबर को है. और हमारी बहुत बड़ा एक मुहिम है, आप कह सकते हैं. हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए और हमसे जुड़े. तो किस तरह होगा, मतलब स्कूल कॉलेज से नहीं, इट्स नॉट अबाउट एनी एजुकेशनल स्कूल, इट इज़ ऑल अबाउट हम चाहते हैं कि लोग हमसे आके जुड़ें. फिजिस्मेटिक्स क्लिनिक, इरम्स एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन एंड अपराइज इंडिया इनिशिएटिव्स की मुहिम है. हम तीनों ने मिलकर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया. हम चाहते हैं कि हम जितने भी रूरल एरिया के लोग हैं, हम टारगेट करेंगे उन ऑडियंस को. वैसे तो स्कूल कॉलेजेस तो अपने आप में एक अच्छी चीज़ कर ही रहे हैं, वो एजुकेशन दे रहे हैं. तो हम चाहते हैं कि लोग समझे, लोग आके जुड़े, जितनी भी एनजीओज हैं ये सब हमें हेल्प करें, हमसे जुड़े और इस मुहिम में. क्योंकि 25 सितंबर को जो ये फंक्शन है, इसमें मिस्टर अश्विन कौशल आ रहे हैं और ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर. दामिनी फिल्म से लेकर सूर्यवंशम फिल्म में भी आपने उनको देखा है. तो वो ही विल बी आर सेलिब्रिटी गेस्ट एंड हमारे एक बहुत बड़ा बुक लॉन्च भी है. तो सूर्य विल गेट गुड अपडेट्स. बात करें स्वच्छ भारत को भी, आप मोदी के मतलब जो उनका विचार है स्वच्छता,
अभियान को लेके आप उस पे भी फोकस कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ आप भी बताइए। मेरा तो ये कहना है, पहले लोग पढ़ेंगे तभी तो समझेंगे कि सफाई कितनी ज़रूरी है। तो एक एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। एक एजुकेशन सोसाइटी को चेंज करती है, और वो बट ऑब्वियसली एजुकेशन लेने के बाद अगर हमारा फोकस होगा तो स्वच्छता अभियान के ऊपर ज़रूर होगा, चाहे वो हेल्थ कैंपेन हो, चाहे वो साफ़ सफाई स्वच्छता अभियान से रिलेटेड हो। बात करें बिजनेस, अभी मतलब कौन कौन से आपके हैं, काफ़ी सारे मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो अभी कौन कौन से इसके बारे में बताइए। हमारा राबिया इंटरनेशनल कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड नेम से मेरी कंपनी है, जिसकी मैं MD हूँ, और दिस कंपनी लीड्स फॉर सोलर पावर एंड लॉजिस्टिक्स कोल एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एंड अभी हम गल्फ कंट्रीज़ के साथ जुड़ चुके हैं, हमारी हॉर्नबिल कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं, और वन मोर ओमानी कंपनी इज एसोसिएटेड विद अस। तो हमारी यही गोल है कि बिज़नेस को प्रमोट करना, इंडिया के बाहर के जो लोग हैं या इंडिया में बिज़नेस करना चाहते हैं, दैट्स लाइक अ बार्टर सिस्टम। तो हम चाहते हैं लोग आके जुड़ें, और बिज़नेस कंसल्टेंट हैं हम, तो हम एक अच्छा ब्रिज बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, हमें केंद्र सरकार से सपोर्ट चाहिए, हमारी सरकार गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, और आई थिंक इंडिया एक बहुत शक्तिशाली देशों में अब जाना चाहता है। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश, एक छोटा सा प्रयास है, जिसमें हम चाहते हैं बिज़नेस के थ्रू, चाहे हम अपनी फिल्मों के थ्रू, हम एक अच्छी छाप छोड़ सकें। तो ये हमारी पूरी कोशिश है।